हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। पाइप्ड नेचुरल गैस की कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस के बारे में इस वीडियो में फोकस रहेगा। मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है और नए टारगेट दिए हैं इंद्रप्रस्थ गैस के। तो क्या फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं वो हम आपको बताने वाले हैं नए स्टॉक के टारगेट के साथ, और म्यूचुअल फंड का क्या एक्शन रहा है पिछले कुछ महीनों में इंद्रप्रस्थ गैस के स्टॉक में, वो सब इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। अब यहां पर आपके सामने है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट। दोस्तों देखिए, भारत में अभी आप देखें तो एनर्जी ट्रांजिशन चल रहा है, मतलब क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ अभी फोकस चल रहा है, और इंद्रप्रस्थ गैस जो है पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस में बड़ा प्लेयर है, जो कि एक क्लीन एनर्जी आप कह सकते हैं, मतलब गैस की तरफ स्विच हो रहा है आज की तारीख में। और इसका अगर एडवांटेज किसी को है तो वो है इंद्रप्रस्थ गैस या आईजीएल को, जो कि मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। अब उनका कहने का है कि पाइपलाइन का जो नेटवर्क है, जो उनका जो एरिया है दिल्ली या उसके आसपास का एरिया, नॉर्थ इंडिया में आईजीएल का बहुत बड़ा काम है, वो पाइपलाइन का नेटवर्क और मीटरिंग का काम जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। कंपनी आज की तारीख में 5,566 इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल यूजर्स को पीएनजी सप्लाई करती है। पीएनजी का मतलब होता है पाइप्ड नेचुरल गैस। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, और भविष्य में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो वॉल्यूम है 7% तक इंक्रीज होगा। लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि जो भी पॉल्यूशन के लिए, ऐसा भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया है कि कैसे पॉल्यूशन को कम किया जाए, और वहां पर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है आईजीएल। अब आपको टारगेट्स बताते हैं। आपके सामने है टारगेट। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की सलाह दी है और 574 रुपीज का नया टारगेट दिया है आईजीएल शेयर पर। अब दोस्तों देखिए, स्टॉक का प्राइस ये देखिए 52 वीक के बेसिस पे ही अगर आप देखें तो देखिए, फरवरी में इसने एक हाई पकड़ा था, आप देख सकते हैं इसी साल की फरवरी 2020 की बात कर रहे हैं, 525 उस लेवल तक ये गया था, उसके ऊपर तक गया था। लेकिन ये जब मार्केट जब गिरती है मार्च के महीने में, मार्च एंड में, तो 300 के लेवल तक स्टॉक प्राइस जाता है। लेकिन फिर ये स्टॉक जो है इंद्रप्रस्थ गैस का, ये अच्छा खासा ये इसकी मूवमेंट होती है और ये ऊपर रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर थोड़े बहुत कंफ्यूजन्स रहते हैं, स्टॉक प्राइस 375 380 के लेवल तक भी एक समय पर रहता है अक्टूबर के महीने में। अब तब एक ओवरहैंग था स्टॉक के ऊपर, क्योंकि कुछ कंपटीशन क्लॉज जो था वो हो रहा था कि यहाँ पर इनके जो बिजनेसेस हैं, चाहे आईजीएल हो या एमजीएल हो महानगर गैस, वहां पर कॉम्पिटिटर्स भी आ सकते हैं। बट फिर बाद में गवर्नमेंट ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और फिर अक्टूबर के बाद से स्टॉक ने अच्छी खासी मोमेंटम पकड़ी है, और फिलहाल आप इस रेंज में आप स्टॉक को देख सकते हैं। ये जो रेंज है आप देखिए 460-465 से लेकर 500 के रेंज में, अभी फिलहाल इसी रेंज में स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों, दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है वहां पर पॉल्यूशन को लेकर हमेशा न्यूज आता ही रहता है। ये ठंड के दिनों में, नवंबर दिसंबर जनवरी में, अलग अलग स्कीम्स भी गवर्नमेंट लाती है, तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। अब एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा है जितनी भी इंडस्ट्रीज है सबको पीएनजी में कन्वर्ट किया जाए। पीएनजी मतलब पाइप नेचुरल गैस, जो कि आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस सप्लाई करता है। तो सबकी सब इंडस्ट्रीज आईजीएल अभी कुछ दिनों में आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट करने वाला है पाइप नेचुरल गैस, और ये काम आईजीएल का ही रहेगा। उनका काम है आइडेंटिफाई करना और पीएनजी पहुंचाने का, और ये टारगेट है जनवरी 2021 यानी अगले ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर ही, एक महीने के बाद आप समझ लीजिए कि ये काम हो जाना चाहिए, और ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव रहेगा जिसकी वजह से आपने देखा कि मॉर्गन स्टेनली ने टारगेट को अपग्रेड। देखिए, म्यूचुअल फंड की एक्टिविटीज से आपको हम बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स पॉजिटिव आज की तारीख में लग रहे हैं। देखिए, पिछले साल ऑलमोस्ट 3% का कोटक का आप देख सकते हैं, और इस साल भी 3% के आसपास, ये बहुत बड़ा उन्होंने बढ़ाया नहीं अपना स्टेक, तो उन्होंने तो कॉन्स्टेंट ही रखा है कोटक ने। डीएसपी ने मार्च में एंट्री ली है और वो अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, मार्च से जून 0.62 किया, फिर 0.7 है, तो डीएसपी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है आईजीएल स्टॉक पर। यूटीआई देखिए, यूटीआई ने अपना जो भी पोजीशन है उसको आधी कर दी है, 1.1 से
0.68, तो वो आईजीएल बेच रहे हैं, बहुत लॉन्ग टर्म से आईजीएल उनके पोर्टफोलियो में था, तो हो सकता है स्टॉक का प्राइस बढ़ा हो तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की हो। कैनरा रोबेको, इसके कुछ फंड्स बहुत अच्छा, उनका भी न्यूज़ है, कैनरा रोबेको इमर्जिंग ब्लू चिप, ये सब कुछ फंड्स हैं, बहुत ज़्यादा फोकस में भी रहता है, पॉजिटिवली फोकस में रहता है, तो उन्होंने देखिए कैनरा रोबेको, ये म्यूचुअल फंड हाउस की बात कर रहे हैं, 0.20 से 0.68 कर दिया है, मतलब 3 गुना अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है। फिर इन्वेस्को देखिए 0.42 से उन्होंने 0.52, तो इन्वेस्को ने भी यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाया है। सुंदरम 0.81 से उन्होंने 0.49, तो आप म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी देख सकते हैं न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जा रही है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हुई हो, और कुछ म्यूचुअल फंड जैसे डीएसपी चूंकि अभी इंटर हुए हैं तो लॉन्ग टर्म के बारे में भी शायद वो सोच रहे हो, तो ये डेटा आपके पास है, आप क्या इसका एनालिसिस करते हैं जरूर बताइए। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, फंडामेंटल डेटा है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए सेल्स ग्रोथ 12% पिछले 5 साल में बढ़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ 21% है, स्टॉक प्राइस देखिए 37% उसका सीएजीआर रिटर्न है, मतलब अच्छा खासा रिटर्न दिया है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 साल में स्टॉक डबल हुआ है, 5 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 22% है, तो ये अच्छा खासा कह सकते हैं। 3 साल में भी देखिए आप सेल्स ग्रोथ भी अच्छी खासी है, प्रॉफिट भी है और स्टॉक प्राइस भी 14% बढ़ा है, तो आप देखिए यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी शायद आपको अभी नहीं मिले, हो सकता है क्योंकि देखिए इंडस्ट्री का भी अगर प्राइस अर्निंग अगर रेशियो आप देखें तो 22 के पास में है और इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है 37 के पास में है, 38 के पास में है, तो स्टॉक आपको सस्ते में नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पीएनजी या क्लीन एनर्जी में अगर आप कोई स्टॉक ढूंढना चाहते हैं तो आईजीएल पर जरूर स्टडी कीजिए दोस्तों। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए एक उनके रेडार में होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से मोनोपोली बिजनेस है पाइप नेचुरल गैस के स्पेस में और भी नॉर्थ इंडिया में, और बहुत बड़ी मार्केट है, और जैसे जैसे समय आगे जाएगा पीएनजी की मांग भी बढ़ती रहेगी, तो आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए कि आपके रडार में है कि नहीं ये स्टॉक, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।